डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस के यूट्यूब वीडियो लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। इसमें इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस, जो कि सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस में एक सब्जेक्ट है, हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे। और इसकी सारी वीडियोज आपको यूट्यूब के मेरे चैनल पर मिलेगी। आप लोग वहाँ से इसको पढ़िए, समझिए, सीखिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में जानकारी प्राप्त करिए। ठीक है, तो जो हम लोगों का सिलेबस है, इसमें आप देखेंगे तो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, वो है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ, स्टिल मैं यहाँ पर भी पढ़ाऊंगा। सेकंड जो चैप्टर है वो है पैसिव कंपोनेंट्स, इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, कैपेसिटर, इंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर है वोल्टेज एंड करेंट सोर्सेज, इसमें वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, एसी, डीसी, आइडियल, प्रैक्टिकल, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कैसे वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर है सेमीकंडक्टर डायोड, डायोड का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है, एक्टिव कंपोनेंट में, वो होता है सेमीकंडक्टर डायोड। ये डायोड कैसे बनता है, इसमें करंट कैसे फ्लो करता है, इसको यूज करके रेक्टिफायर, बेसिक रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे बीजेटी, पढ़ेंगे बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इस चैप्टर में। इसका भी हम लोग बेसिक कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है, इसमें करंट फ्लो का मैकेनिज्म क्या है और इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी, इसके कन्फिग्रेशंस है, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर, ये सारी चीज़ें हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसका पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर मेनली एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, जैसे डायोड रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है, उसकी वर्किंग देखे थे वैसे ही हम लोग ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की वर्किंग देखेंगे। फिर ट्रांजिस्टर की बायसिंग, जैसे डायोड की बायसिंग होती है, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, वैसे ट्रांजिस्टर को भी जब बाहर से वोल्टेज सोर्स लगाया जाता है उसको बायसिंग बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर में एसी इनपुट दे के उसको, ये हो जाएगा ट्रांजिस्टर और ये एम्पलीफाई सिग्नल हमें मिलेगा, एम्पलीफाइड सिग्नल, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर ट्रांजिस्टर का ही एक दूसरा पार्ट होता है फेट, पढ़ेंगे हम लोग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और मॉसफेट पढ़ेंगे मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एंड लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट पढ़ेंगे सीमॉस। तो ये सारा सिलेबस हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये मैं पूरा वीडियो लेक्चर सीरीज बना के यूट्यूब के अपने चैनल पर डाल दूं, जिससे जब भी आपको ज़रूरत हो, टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप उसे कभी भी देख सकते हैं। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो पे मिनिमम 50 लाइक्स आएंगे, तब मैं फिर ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूँगा। ठीक है, आई होप कि इस पर 50 लाइक्स आएंगे, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर इसमें अपलोड करूंगा। ओके, थैंक यू।